तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक झा स्टडी मस्ती पर। मैं हूं दीपक झा। तो दोस्तों जी हां, आप जो भी स्टूडेंट है, जो 10th और 12th का स्टूडेंट जो एग्जाम देकर के बेसब्री से अपना रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो उन लोगों का इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्द इसी मंथ में घोषित कर दी जाएगी। जी हाँ, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट बहुत जल्द घोषित तो हो ही जाएगी, लेकिन इससे भी पहले आपका रिजल्ट घोषित हो जाता है, लेकिन क्योंकि कई सारे कारण थे, बहुत सारे रीजन थे जिसके कारण आपका जो कॉपी का जो मूल्यांकन है वो पूरा अभी तक नहीं हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन 80% तक हो चुकी है, सिर्फ बची है 20%, और वो भी बहुत जल्द पूरा कर दी जाएगी, और पूरा होते ही रिजल्ट की घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी, और आपकी रिजल्ट जो आने वाली है इसी मंथ में आने वाली है। तो चलिए मैं आपको पूरी तमाम जानकारी इस वीडियो में देता हूँ, इसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहली बात कि मूल्यांकन कई कार्ड सेंटरों पर 2 दिनों में समाप्त हो जाती है, लेकिन कारण है कि नहीं हो पाया। चलिए मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। जो आपकी उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन है वो अंतिम चरण में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 मार्च से 15 मार्च तक मूल्यांकन कार्य चलाना था जो 5 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक मूल्यांकन कार्य चलाना था, लेकिन मूल्यांकन कार्य 2 दिन बाधित होने के कारण मूल्यांकन कार्य 15 मार्च तक पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 दिन बाधित हो गया। और क्यों बाधित हुआ, आइए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब तक 80% से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है। अब तक जो है 80% से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन हो चुकी है, लेकिन कारण क्या था, रीजन क्या था जिसमें बाधित हुई, तो मैं आपको बताता हूँ कि रविवार को सिपाही भर्ती परीक्षा के कारण और महिला दिवस के दिन मूल्यांकन कार्य क्या रहे, बाधित रहे। तो मूल्यांकन कार्य 2 दिन बाधित होने के कारण अब 2 दिन से, ठीक है, 2 दिन बाधित होने के कारण 2 दिन का समय अधिक लगेगा, और उसका जो मूल्यांकन कार्य होगा, तो सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि पटना के 8 में से 7 मूल्यांकन केंद्र पर 17 मार्च तक मूल्यांकन कार्य समाप्त हो जाएगा। पटना में के 8 में से 7 मूल्यांकन केंद्र पर बहुत जल्द मूल्यांकन कर दी जाएगी और समाप्त भी हो जाएगी, और वही एक मूल्यांकन है जिस केंद्र पर हिंदी और अंग्रेजी की कॉपियों की संख्या अधिक रहने के कारण मूल्यांकन कार्य में 4 से 5 दिन लग सकते हैं, और 4 से 5 दिन के बाद ही आपकी रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें यही 2 दिन के कारण जो है सो आपके रिजल्ट आने में थोड़ा 2 दिन लेट से आएगी, और कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो घोषणा होगी उसमें 80% उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन हो चुकी है, सिर्फ बची है सिर्फ 20%, और उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 80% जो है, देखिए सबसे पहली बात कि स्टूडेंट जो एग्जाम दिए थे 12th का, वो 13,50,000 करीब लगभग, यानी 13,50,000 स्टूडेंट लगभग एग्जाम 12th में दिया था, जिसका क्या है कि 80% यहाँ कह रहा है कि 80% चेक हो चुकी है। तो सोच लीजिए 80% जब चेक हो चुकी है, तो 13,50,000 का अगर हम 80% निकालते हैं तो वहाँ निकल के आता है 10,80,000, यानी 10,80,000 कॉपी चेक हो चुकी है, ठीक है, ये 12th का है। और जो बचा है उसकी भी बहुत जल्द चेक करके उसके रिजल्ट की दे दी जाएगी। और मैं आपको 10th की बात बताता हूँ, तो 10th में वो 54% चेक हो चुकी है, और बची है सिर्फ 46%, और उसका भी कॉपी जो है सो बहुत जल्द चेक करके रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, और दोनों का रिजल्ट जो आएगा इसी मंथ यानी कि मार्च में ही आनी है, और मार्च में रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। इसके लिए बेसब्री से आप इंतजार जो आपका था वो आपका इंतजार हुआ खत्म, और बेसब्री से जो आप लोग इंतजार कर रहे थे उसका टाइम अब हो चुका है खत्म होने का, और आपका रिजल्ट इसी मंथ में घोषणा कर दी जाएगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका था उसका रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है। बिहार बोर्ड ने यह पुष्टि की है कि आपका जो वेबसाइट था वो वेबसाइट पर, आप वेबसाइट देख लीजिए, आपको वेबसाइट में बता रहा हूँ www.bihar.board.com, इन पर आप जाकर चेक कर सकते हैं और अपना आंसर की पुस्तिका को आप मिला सकते हैं कि आपका आंसर जो था सही है या गलत। तो आसानी से जाइए, वेबसाइट आपको मैं बता दिया हूँ, www.bihar.com, इन पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं और अपना रिजल्ट को पता कर सकते हैं। और 12th का रिजल्ट की जो संभावना है आने की, मैं आपको बता देता हूँ, वो है 24 मार्च को 3 बजे के बाद रिजल्ट आने की संभावना है, जिसमें 12th क्लास की, जी हाँ, यानी 12th क्लास के स्टूडेंट को। अब मैं बता देता हूँ, एक डेट आई है जिसमें 24 मार्च को 3 बजे के बाद रिजल्ट की घोषणा आने की संभावना है, तो आप 24 तारीख को चेक जरूर कीजिएगा www.bihar.com, इन पर आपके रिजल्ट अगर आ जाएगी तो उस पर आराम से शो कर सकता है, ठीक है। और मैं इसकी जानकारी मैं आप
अगर आएगी तो मैं इसकी जानकारी दे दूंगा वीडियो के माध्यम से, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त को भी जानकारी मिलना अत्यंत जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नेटवर्क के साथ, नए न्यूज के साथ। बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।